कहीं नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो संविदा पर और उस पर लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को और पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली व्यवस्था है। ये सब चीज़ें कभी लागू नहीं होनी चाहिए। तो अब भारत सरकार में भी पर्चे लीक हो रहे हैं, अभी सिपाही के पर्चे प्रदेश में लीक हुए, आरओ के लीक हुए, गार्जियन परेशान है, कितने दिन पढ़ाया लिखाया और वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। जैसा भी चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, अखिलेश जी ने और सभी लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस तरह की बात, राहुल जी ने पहले उठाया था कि जैसे आर्मी में इन्होंने संविदा पर अग्निवीर किया, अखिलेश जी ने भी कहा था कि प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में भी इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। तो आम लोगों को कैसे, उसमें लोगों को कहाँ कहीं नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो संविदा पर और उस पर लेकर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को और पूरे व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली व्यवस्था है। ये सब चीज़ें कभी लागू नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी है, जो सरकार के अधीन, क्योंकि ये कानून व्यवस्था की बात है, अगर कानून व्यवस्था में भी आउटसोर्सिंग होने लगेगी, देश की सुरक्षा में भी आउटसोर्सिंग होने लगा, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसको तत्काल बंद करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, नहीं, काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगी, पर उन्होंने जवाब मांगा है, जवाब मांगा है, बिल्कुल एनटीए से जवाब मांगा है जो भारत सरकार के अधीन काम करती है। अब ये देखिए कि पहले प्रदेश में पर्चे लीक होते थे, उत्तर प्रदेश में लीक होते थे, अब ये लीक होते होते केंद्र तक पहुँच गए। अब जो एनटीए है वो भारत सरकार के अधीन काम करती है, तो अब भारत सरकार में भी पर्चे लीक हो रहे हैं, अभी सिपाही के पर्चे प्रदेश में लीक हुए, आरओ के लीक हुए, तमाम एग्ज़ाम्स के पर्चे लीक हुए, और अब मेडिकल, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं सालों साल, टैलेंटेड बच्चे हमारे देश के जो भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है, उन बच्चों का भी भविष्य अंधकारमय हो गया। वो डिप्रेशन में है, परेशान है बच्चे, गार्जियन परेशान है, कितने दिन पढ़ाया लिखाया और वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो लीक का मामला है प्रदेश से लेकर देश तक चला गया, ये सरकार निश्चित तौर से पूरी तरीके से इन सब परीक्षाओं को कराने में नाकाम है, और इसका जवाब इनको तत्काल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा है, तत्काल इनको जवाब देना चाहिए और उन बच्चों का भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये जनता को केवल बेवकूफ़ बनाने का, जब से शुरू से 2014 में 2 करोड़ों को नौकरी मिलेगी, 15 लाख रुपया काला धन आएगा तो यूं ही अकाउंट में चला जाएगा, तो वही अकाउंट में गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली या 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार या जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो या जो होता है, वो सारी चीज़ें केवल जनता को वोट लेने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, ये ठगने के मास्टर हैं, और ठग कर जनता को बेवकूफ़ बनाकर, सरकार बनाकर और फिर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।